गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इस टॉपिक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, कह रहे हैं ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द डिस्टिंग एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर दैन टू अल्टर द बैलेंस शीट पर द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बाद में हमको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज किया ही नहीं गया है। फिर इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर पार्टनर की कैपिटल पे देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ 50,000 10% के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 5,000 रुपीज़ हो गया। इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल ऑफ 30,000 के अकॉर्डिंग 10% कितना हो गया, 3,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन सी कैपिटल्स ऑफ 25,000 10% के अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये 2,500 रुपीज़ हो गया। इंटरेस्ट ऑन डी कैपिटल ऑफ 15,000 10% के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1,500 हो गया। सबको हमने ऐड किया तो कितना हो गया, ये 12,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट टू बी अलाउड। टोटल इंटरेस्ट अगर हमने अलाउ करते हैं तो 12,000 हो गया। मतलब ये इंटरेस्ट हमको अलाउ करना था जो हमने अलाउ नहीं किया, हम भूल गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पार्टनर को हमने पैसे दिए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक्सपेंसेस है वो भी हमने डिडक्ट नहीं किया, मतलब पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसे चले गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 12,000 रुपये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है पार्टनर के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि हर पार्टनर से कितना रुपए रिकवर करना है। ठीक है, तो नीचे देखिए दिया हुआ है, दिस अमाउंट ऑफ 12,000 इन एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द फर्म बट दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करते हैं लेकिन वहाँ पर शो नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है, और अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज सच द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस बाई दिस अमाउंट। ठीक है, अब उनके प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, 12,000 रुपये से रिड्यूस करेंगे और ये देखेंगे कि हर एक पार्टनर की प्रॉफिट में से कितना रुपए माइनस करना है। हैंस दिस लॉस ऑफ 12,000 विल बी शेयर्ड बाई द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। देयर फॉर ईच पार्टनर शुड बियर 12,000 रुपीज़ है एक्सपेंसिव और 4 पार्टनर हैं क्योंकि ये सारे पार्टनर इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट में इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 पार्टनर हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 3,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो हर पार्टनर में हम लोग क्या करेंगे, 3,000 रुपीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, दिस लॉस शुड बी डेबिटेड टू दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच दे आर इंटाइटल्ड शुड बी क्रेडिटेड टू दियर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे एक तो एडजस्टमेंट का। ठीक है, इस टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जितने पार्टनर हैं ए बी सी डी आए और टोटल करेंगे लास्ट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर को हमने नहीं दिया था, अब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने यहाँ पे चार्ज किया है, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ए के अकाउंट में 5,000 गया, बी के अकाउंट में 3,000 गया, सी के अकाउंट में 2,500 हो गया
और डी के अकाउंट में 1500 हो गया, सबको ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 12000 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लॉस यहाँ पे आ रहा है 3000 रुपीज़ हर एक पार्टनर के अकाउंट में माइनस करना है। यहाँ पे माइनस हम लोग कैसे करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ 12000 रुपीज़ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो एक अकाउंट में से डेबिट कितना करना है, 3000 रुपये, बी के अकाउंट में 3000 रुपये, सी के अकाउंट में 3000 रुपये और डी के अकाउंट में 3000 रुपये, टोटल हो गया 12000 रुपये। ठीक है, अब इसका देखना है कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, 5000 में से 3000 गया, कितना बचा, 2000 रुपये। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट वाला बैलेंस और डेबिट वाला बैलेंस, ठीक है, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा वहीं पे ये हम साइन लगाएंगे। ठीक है, सीआर लगाएंगे, पीडीआर लगाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा उसका अमाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड वाले का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे साइन लगाएंगे सीआर, अगर डेबिट साइड वाले का अमाउंट ज़्यादा है तो हम वहाँ पे लगाएंगे डीआर। ठीक है, अब बी की बारी है, 3000 में से 3000 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब 2500 में और 3000 में बड़ा कौन है, 3000 में से 2500 घटा देंगे, कितना बचेगा, 500। ठीक है, अब ये देखना है किसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा है, सीआर का अमाउंट सी के लिए कम है और डीआर का अमाउंट सी के लिए ज़्यादा है, तो यहाँ किसका अमाउंट लगाएंगे हम लोग, किसका सिंबल लगाएंगे, सीआर डीआर का लगाएंगे। ठीक है, डी के लिए क्या है, 3000 में 1500 माइनस करेंगे तो 1500 आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, डेबिट लगाएंगे, क्योंकि डेबिट का जो अमाउंट है वो डी के लिए बड़ा है। ठीक है, और दोनों को हम ऐड कर जब करेंगे तो दोनों का बैलेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो देखिए ए क्रेडिट में है और सी और डी डेबिट में है। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखिए कैसे बनेगी, जब हम लोग इसका जनरल एंट्री बनाएंगे तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये एंट्री आप ये चीज़ हमने फाइंड किया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सी के अकाउंट सी कैपिटल में 500 रुपये था बैलेंस और डी कैपिटल अकाउंट में 1500 था, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया, किसके अकाउंट में, ए के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से हमने इसकी एंट्री बना ली। ठीक है।